हाय एवरीवन, मैं हूँ शिवांगी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लासी भवा किचन में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपसे केक को डेकोरेट करने का एक बहुत ही इजी, बहुत अमेजिंग और बहुत ही जुगाड़ू तरीका शेयर करने वाली हूँ, जिसकी हेल्प से आपको केक डेकोरेट नहीं करना पड़ेगा, केक अपने आप डेकोरेट होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, और बहुत सुंदर और बहुत यूनिक डिज़ाइन का डेकोरेट होगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इसे बनाना। तो गाइज, हमारी आज की केक डेकोरेशन के लिए मैंने पाइनएप्पल फ्लेवर का केक बनाया था। तो 6 इंच के केक टिन में मैंने ब्राउन इको बेक डाला है, क्योंकि ये होता है इको फ्रेंडली, नॉन स्टिक और रीयूजेबल। इससे ना केक बड़े आराम से बाहर निकल आता है। तो जैसे ही केक बेक होकर के ठंडा हुआ, हमने इसको केक टिन से बाहर निकाला और 3 पार्ट्स में डिवाइड करके इसकी फ्रॉस्टिंग कर ली। और ये देखिए, केक को अच्छे से कवर कर लिया विप क्रीम से, और केक के साइड्स को हमने केक के स्क्रैपर या फिर किसी क्लीन कार्ड की हेल्प से स्मूथ कर लिया है, और केक के टॉप को हमने स्पैटुला की हेल्प से साइड से सेंटर की तरफ लाते हुए भी स्मूथ कर लिया है। फिर मैंने यहाँ पे सिलिकॉन ब्रश लिया है और इसी की हेल्प से हमने ये देखिए स्वर्ल के जैसा बना लिया है हमारे केक के टॉप पे। तो केक बोर्ड हमने क्लीन कर लिया है और अभी फ्रॉस्टिंग के बाद केक हमारा रेडी है। तो इस केक को ले जा कर के अभी के लिए हम रख देंगे फ्रिज में। नाउ गाइस, यहाँ पे मैंने एक पैन रख लिया है गैस पे, और इसमें मैं डाल रही हूँ 3/4 कप चॉप करी हुई वाइट चॉकलेट कंपाउंड। अगर आपके पास कंपाउंड चॉकलेट हो तो वो यूज़ कर लीजिए, अदरवाइज़ जो मिल्की बार वगैरह आते हैं ना उनको भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने पैन में डाला और साथ ही मैंने इसमें डाली है करीब 1/3 कप व्हिपिंग क्रीम। और अभी इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, और हल्की सी मिक्सिंग के बाद मैं इसमें 3 बड़ा चम्मच दूध और ऐड करी हूँ। वैसे गाइज, आप चाहें तो पूरी पूरी चॉकलेट में क्रीम की जगह पे दूध ही यूज़ कर सकते हैं। और अभी हमने फिर से थोड़ी सी मिक्स करी है चॉकलेट में मिल्क को, और इसमें अभी मैं ऐड करी हूँ 1 बड़ा चम्मच न्यूट्रल जेल। जी हाँ फ्रेंड्स, ये मार्केट से लाया हुआ न्यूट्रल जेल है जो ग्लेज़ के लिए होता है। अगर आप घर पे बनाना चाहते हैं तो इसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसे चेक कर सकते हैं। केवल 3 चीज़ों से बन जाता है घर पे ये। और ये जेल डालने के बाद में हम अच्छे तरीके से स्मूथ हो जाने तक हमारी चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे, जिससे कि हमें एकदम स्मूथ कंसिस्टेंसी वाला गनाश के जैसा मिल जाएगा। तो ये देखिए गाइस, सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से स्मूथ हो गई हैं। तो गैस हम ऑफ कर देंगे और अब हम इसे रूम टेम्परेचर पे आने देंगे, मतलब ना इसे एकदम ठंडा होना चाहिए और ना ही एकदम गर्म रहना चाहिए। नाउ गाइस, हमारी आज की डेकोरेशन ट्रिक के लिए यहाँ पे मैंने डिस्पोजेबल ग्लास लिया हुआ है, और साथ ही में मैंने ये देखिए एक स्क्यूअर लिया हुआ है। आप चाहे तो टूथपिक भी ले सकते हैं। और अभी इस स्क्यूअर की हेल्प से हम हमारे ग्लास, डिस्पोजेबल ग्लास पे होल्स करेंगे, ठीक है ना गाइस। तो आधा आधा सेंटीमीटर पे आपको ये होल्स कर लेने हैं ग्लास के बॉटम के हर साइड पे। बट गाइस, ध्यान रखिएगा कि बेस के नीचे ना हो, ये बेस के ऊपर ही होना चाहिए, है ना। और इन केस अगर आपको ये होल्स छोटे लग रहे हैं ना, तो थोड़े से बड़े कर लीजिएगा इसी टूथपिक की हेल्प से। और ये देखिए गाइस, हमने पूरा का पूरा राउंड सा बना लिया है होल्स का, और हमारा जुगाड़ रेडी है। तो गाइस, अभी इस ग्लास को ले जा करके हम रख देंगे हमारे केक के ऊपर, जिसको हमने फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। तो गाइज, हमारा ये वाइट चॉकलेट वाला ग्लेज भी अभी तक रूम टेम्परेचर पे आ गया है। तो अभी हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले इस मग में हम करीब 4 बड़ा चम्मच ये ग्लेज छोड़ करके बाकी सारा का सारा इस मग में डाल लेंगे, और जो 4 बड़ा चम्मच बचा हुआ है ना, उसको मैं एक अलग कटोरी में डाल ले रही हूँ। तो दोनों जगह पे हमारा ग्लेज बिल्कुल रेडी है। नाउ गाइज, जो मग वाला ग्लेज है ना, इसमें मैं सबसे पहले डाल रही हूँ 2 बूंदें स्काई ब्लू जेल फूड कलर की, उसके बाद 2 बूंदे ग्रीन जेल फूड कलर की, और फिर 1 बूंद वाइट जेल फूड कलर की। गाइज, इससे ज़्यादा कलर्स मत डालिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा हो जाते हैं अपने आप ही। जेल कलर्स वैसे भी बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं। तो गाइज, अभी एक टूथपिक की हेल्प से रैंडम सा हम मिक्सा कर लेंगे इन सारे ड्रॉप ऑफ जेल कलर्स को। और दूसरी तरफ जो हमने बोल में निकाल के रखा था ग्लेज, उसमें मैंने 2 ड्रॉप येलो जेल कलर के डाल लिए हैं, और इसको भी मैंने रैंडमली इस ग्लेज के ऊपर स्प्रेड सा कर लिया है। तो गाइज, वापस आएंगे हमारे केक पे, जिसके ऊपर ऑलरेडी हमने ग्लास रखा हुआ है। और अभी ये जो मग वाला ग्लेज है ना, इसको हम सिंपली पोर कर देंगे इस ग्लास के अंदर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ग्लास के अंदर से जो होल्स हैं ना, उनसे छन छन के ये ग्लेज बाहर निकल रहा है और हमारे केक को कवर कर रहा है। एंड यू कैन मेक आउट गाइज, किस तरह से फ्लोई जैसा इफेक्ट आ रहा है। तो गाइज, मैंने पहले ये डाला है ग्लेज, उसके बाद में मैंने थोड़ा सा 1 मिनट का ब्रेक दिया, जब ये फैल गया चारों तरफ, उसके बाद ये देखिए मैंने फिर से सेम मग वाला ग्लेज डाला है। और इस बार ये देखिए, जो हमने ड्रॉप ऑफ जेल कलर्स डाले थे ना, वो सारे के सारे नीचे पहुंच गए थे। तो ये देखिए नीचे कितना डार्क डार्क शेड्स आ रहा है इन सब का, मिल के कलर्स का। और ये देखिए होल से निकल के ये डार्कर सा फ्लोई फ्लावर के जैसा इफेक्ट दे रहा है।
और बस गाइस, इसके बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि अपने आप ही ये मैक्सिमम पोर्शन ऑफ केक को कवर कर ले। तो गाइस, थोड़ी देर के बाद ये देखिए थोड़ी थोड़ी जगह बच गई है जिसको हम जो ये गनाश हमारा केक बोर्ड पे गिरा हुआ है ना उससे उठा कर करके इस बचे हुए केक को कवर कर देंगे। तो गाइस पूरा केक कवर हो चुका है और ये देखिए अच्छा सा इफेक्ट आ गया है। तो अभी हमने ले लिया है वो वाला बोल जिसमें येलो हमने कलर डाला था और ये येलो वाला ग्लेज अगेन हम ग्लास के अंदर पोर कर देंगे। एंड यू कैन मेक आउट, ये देखिए गाइस अगेन होल से निकल कर ये येलो वाली क्रीम भी फैल रही है केक के ऊपर। थोड़ी देर के बाद हम थोड़ा सा ट्विस्ट कर देंगे इस ग्लास को जिससे कि जो येलो कलर का फ्लावर के जैसा बन रहा है ना नेचुरली वो भी हल्का सा ट्विस्टेड फॉर्म में आ जाएगा। और उसके बाद फिर हम ग्लास को अलग कर लेंगे और क्योंकि ग्लास में ऑलरेडी येलो कलर हमने डाला हुआ है तो जो थोड़ा बचा बचा है ना तो वो वाला येलो ग्लेज हम ये सेंटर पे इन होल्स की हेल्प से ही डाल लेंगे वापस ताकि सेंटर में भी येलो कलर आ जाए। और अभी एक टूथपिक की हेल्प से सेंटर में मैंने ये देखिए zigzag सा कर लिया है साइड पे जिससे कि अगेन एक अच्छा सा पैटर्न सा बन गया है। और गाइस फाइनली मैंने यहाँ पे एक छोटी स्टार शेप वाली नोजल की कोन वाले पाइपिंग बैग में ली है थोड़ी सी वाइट कलर की क्रीम और केक के बॉटम पे मैं ये रोजेस जैसे बना ले रही हूँ, इससे एक कम्प्लीट लुक आता है केक का। वैसे गाइस आप अपनी मर्जी के कोई भी नोजल ले सकते हैं या फिर बिना नोजल के भी आप बॉटम पे बॉर्डर बना सकते हैं, मैंने बहुत बार आपसे शेयर किया है। तो देखा ना गाइस आपने, हमें यहाँ पे डेकोरेशन के लिए एग्जैक्टली कुछ करना ही नहीं है, हमने तो केवल पोर करना है इस ग्लेज को और वो अपने आप ही केक को अपने हिसाब से डेकोरेट करेगा। और गाइस केक डेकोरेशन का ये ट्रिक अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इसको अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली से और क्लासी बाबा किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, प्रेस कीजिएगा बेल आइकॉन ताकि मेरे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहें। और गाइस हमारा केक फाइनली डेकोरेट होके है बिल्कुल तैयार, बहुत ही सुंदर लग रहा है केक, बहुत ही अलग लग रहा है ये केक और ये देखिए परफेक्टली रेडी टू सर्व। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैप्पी कुकिंग।